बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एसिड बेस के साथ रिलेटेड है, उसका नाम है यूसानोविक कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द यूसानोविक कंसेप्ट, एसिड क्या होता है? एसिड कंबाइन होता है हमेशा के लिए, ये कंबाइन होगा एनाइन के साथ। तो ये एनाइन के साथ जो है कंबाइन होता है, या फिर ये कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ और ये गिविंग अप, ये दे देता है केटाइन दे देता है। तो ये हो गया एसिड की जो है डिफिनीशन अबाउट यूसानोविक कंसेप्ट। अब हम जाते हैं और बेस को एक्सप्लेन करते हैं। बेस क्या है? बेस कंबाइन होता है विथ केटाइन, केटाइन के साथ कंबाइन होता है और ये गिविंग अप एनाइन, ये एनाइन दे देता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसको हम कहते हैं बेस। हमारे पास है सल्फर ट्राई ऑक्साइड और यहाँ है सोडियम ऑक्साइड। सो होगा क्या, ये देखिए, ये जो है एनाइन देता है इसको, इसको ये एनाइन दे देता है एनाइन, और ये जो है एनाइन को, एनाइन को एक्सेप्ट करता है। तो एसिड क्या करता है? कंबाइन होता है एनाइन के साथ, एनाइन इसको दे देता है और ये गिविंग एनाइन, बेस एनाइन दे देता है। जब ये दे देता है तो यहाँ पर ये हो गया बेस और ये एनाइन को एक्सेप्ट करता है तो ये हो गया एसिड। अब एनाइन क्या है? एनाइन जो है यहाँ पर ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है? ऑक्साइड है। सो क्या होगा, यहाँ आपके पास टू सोडियम आयन बन जाते हैं और यहाँ पर आपके पास सल्फेट माइनस टू आ जाता है, ये सल्फेट माइनस टू आ जाता है। अब याद रखिए, आपके पास जब इसने एनाइन दिया, इसने एनाइन दिया तो ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास हो गया फिर दोबारा ये केटाइन। तो ये जो केटाइन हुआ, सो ये याद रखिए, ये केटाइन यहाँ पर एसिड है और ये केटाइन जब एसिड है सो ये फिर दोबारा ये कंबाइन होता है एनाइन के साथ और ये बनाता है सोडियम, सोडियम सल्फेट बनाता है, ये साल्ट बनाता है, ये साल्ट है, सोडियम सल्फेट साल्ट है। तो ये आपके पास है एनाइन, एनाइन इसको दे देता है, इससे SO4 माइनस टू बनाता है। अब ये किस तरह से होता है, देखें आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास, ये जो आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, तो होगा ये कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जो आपके पास सोडियम है, सोडियम आपके पास है तो टू सोडियम है, इससे क्या होता है, इससे जो है ऑक्सीजन नेगेटिव वो, और यहाँ प्लस है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव इसके साथ आके बॉन्ड बना लेता है और ये यहाँ पर आ जाता है और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनते हैं, देखिए यहाँ पर सल्फर और बॉन्डेड है टू बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन के साथ टू, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्साइड आया, आया यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ दूसरा ऑक्साइड इस पे नेगेटिव चार्ज। और ये आपके पास, अभी मैंने बता दिया कि ये आपके पास एसिड हो गया, क्यों, क्योंकि इसने एनाइन दिया और इसने लिया।
अब ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि बेस जो है वो कंबाइन होते हैं केटाइन के साथ, और केटाइन यहां पर एसिड है, तो ये आपके पास सोडियम सल्फेट बनता है। और यहां याद रखिए, एक जो केटाइन है या जो एसिड है ये इसके साथ मिलेगा, बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा सोडियम जो है वो यहां पर सोडियम आए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट। तो मतलब इसका ये हो गया कि सोडियम ऑक्साइड जो है ये इसने एनाइन दिया है SO3 को, इसने एनाइन को एक्सेप्ट किया, तो जब एसिड होता है वो एनाइन के साथ वो एनाइन को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है और ये केटाइन दे देता है। तो जब केटाइन बन जाता है तो केटाइन एसिड होता है, और यहां जो एनाइन बनता है वो बेस होता है। तो अब देखिए, कंबाइन होता है, बेस कंबाइन होता है केटाइन के साथ, तो ये बेस है, ये बेस है, जो ये बेस है तो ये क्या करता है, इसके साथ मिलके ये साल्ट को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल जिससे हम इसको वाजी करना चाहते हैं। तो आपके पास है, आपके पास है ये फेरस साइनाइड, ये देखिए, ये यहां पर NO2, यहां पर 4 पोटाशियम साइनाइड। अब देखिए, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये इसको एनाइन देता है, ये एनाइन देता है, देखिए एनाइन, एनाइन इसको देता है, कौन सा? ये वाला एनाइन। अब जब ये वाला एनाइन देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और होगा क्या होगा, ये कि यहां पर पोटासियम आपके पास बन जाता है 4, और यहां आपके पास FeCN, ये देखे कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाता है, हेक्सासाइनोफिरेट, सोडियम पोटासियम हेक्सासाइनोफिरेट, यानी साल्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, साल्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये देखिए, ये एनाइन इसको दे देता है और ये एनाइन को एक्सेप्ट करता है, तो जो एनाइन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो एनाइन दे देता है वो आपके पास बेस होता है। तो हमारे पास डिफिनीशन के मुताबिक एसिड कंबाइन विद एनाइन, तो ये एनाइन है, इसके साथ ये कंबाइन होता है, तो ये एसिड है, और ये जो कंबाइन होता है बाद में इससे जो केटाइन बनता है वो केटाइन एसिडिक होता है, और ये यहां पर आके इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जो बेस होता है, तो बेस कंबाइन विद केटाइन, फिर उससे साल्ट बन जाता है। इस तरह से मैंने बता दिया, आपके पास है अमोनियम, यानी सोडियम है, सपोज सोडियम है, ये एक केटाइन है और ये एनाइन के साथ मिलता है, सो क्या होता है कि ये आपके पास क्या है, ये बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि मैंने बता दिया कि बेस कंबाइन विद केटाइन, तो ये बेस है और ये केटाइन के साथ कंबाइन होके क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को बनाता है। अब हम आपको ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर ये बेस है तो इसका ये जो पोर्शन है, जो केटाइन है, ये एसिडिक है, ये एसिड है, और ये दोनों आपस में मिलके साल्ट को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से आपके पास है, आपके पास है अमोनियम, देखिए अमोनियम आयन है, ये पॉजिटिव है, और यहां आपके पास है क्लोरीन आयन, तो क्या है, बेस, बेस कंबाइन विद केटाइन, ये आपके पास केटाइन है, ये बेस है, और बेस हमेशा, अगर ये बेस है तो इसका ये केटाइन जो है ये एसिड होगा, और ये आपस में मिलके ये अमोनियम
अमोनियम क्लोराइड को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से आपके पास है यहाँ पर अमोनियम आयन और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो ये आपके पास बेस है। क्यों? क्योंकि बेस कंबाइन होता है कैटायन के साथ। तो अगर ये बेस है तो इसका ये पोर्शन ये एसिडिक है और ये आपके पास अमोनियम अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से आपके पास ये HCl है और ये अमोनियम आयन है। सो देखिए ये आपके पास बेस है। ओके, ये बेस है। बेस क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पर कि गिविंग एनायन, गिविंग आप एनायन या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है, जबकि केटाइन एसिड जो है वो केटाइन दे देता है। तो ये आपके पास एसिड हुआ, ये एसिड हुआ, ये इस केटाइन को किसको देता है? इसको, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये केटाइन देता है, सो क्या होगा? यहाँ पर अमोनियम आयन बन जाता है। दोबारा ये देखिए, अमोनियम आयन बन जाता है, ये अमोनियम आयन, और ये आपके पास है नेगेटिव आयन। अब देखिए ये नेगेटिव हमेशा केटाइन के साथ, तो ये यहाँ पर ये बेस हो गया, यहाँ पर ये बेस हुआ और ये एसिड हुआ, और जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। इसी तरह से आपके पास है, अगर ये सोडियम है तो देखिए सोडियम जो है, इससे सोडियम ये केटाइन बनता है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। सो देखिए यहां पर आपके पास ये बेस है, ये बेस इसलिए है, देखिए ये बेस इसलिए है कि ये जो है ये क्या करता है? गिविंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके बाद इससे एसिड बन जाता है। ये देखिए ये इससे एसिड बन जाता है। इस तरह से आपके पास जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देखिए आपको पता चलेगा कि एसिड कंबाइन विद एनायन आर इलेक्ट्रॉन। अब ये आपके पास क्या है? ये एसिड है, ये आपके पास एसिड है, ये कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये एसिडिक है। जब इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके बाद ये जो है, याद रखे, इससे आपके पास बनता है क्या? बेस बन जाता है। तो आपके पास यहां जो केटाइन है ये आपके पास एसिडिक बन जाता है, और प्लस ये जो आपके पास है क्लोरीन, तो ये बेस बनता है। अब देखिए यहां मैं आपको वाजे करना चाहता हूं कि ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को जाया किया, सो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होके तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो ये आपके पास बेस है, और जब इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो ये एसिड बनता है। इस तरह से क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये आपके पास क्या है? एसिड है, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो उससे फिर क्या बनता है? बेस, और बेस कंबाइन होता है केटाइन के साथ, और एज ए रिजल्ट वो बनाता है सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।